नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का विषय है हमारा साइकिलिंग, ए सिंपल प्रोसेस। साइकिलिंग एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, लेकिन यह इतनी आसान नहीं है कि हर कोई इसको रेगुलर कर सके। तो आज हम जानेंगे साइकिलिंग के बारे में एक कुछ बेसिक जानकारी कि यह हमें हमारे दैनिक जीवन में डेली क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और यह किन किन बीमारियों में हमें फायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइकिलिंग क्या होती है। साइकिलिंग, आप रोज कुछ समय साइकिल के लिए देते हैं जिससे आपकी हेल्थ अवेयरनेस का पता चलता है और बॉडी फिट रहती है, माइंड वगैरह अच्छा रिफ्रेश हो जाता है। और अगर इसको डॉक्यूमेंटेड करें तो प्रोटेक्ट करती है साइकिलिंग कई सारी गंभीर बीमारियों से, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, डिप्रेशन है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ओबेसिटी है। इन सब बीमारियों से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बचाव करती है। और ये किसी एक्सरसाइज है जो हर आयु वर्ग के लिए बहुत आसान और सुरक्षित होती है, कोई भी साइकिलिंग कर सकता है अपनी पसंद के हिसाब से। पहले पुरानी साइकिल चलती थी, आज कई सारी गियर वाली साइकिल आ गई है, गियर वाली में भी अलग अलग वेराइटी आ गई है। तो जो भी आपकी चॉइस की साइकिलिंग हो उसको आप चुन सकते हैं, जिससे आप अपने हेल्थ को रिटेन कर सकते हैं। और कुछ छोटी मोटी तकलीफें अगर होती है आपकी बॉडी में, कहीं दर्द है, पेन है, अकड़न जकड़न है, वो सारी चीजें इससे खत्म हो जाती है, आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और इसमें कई सारी चीजें ये है कि अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका हार्ट मजबूत होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो ब्लड एक फ्लो प्रेशर से फ्लो होने लगता है। तो अगर छोटा मोटा कोई ब्लॉकेज है तो वो अपने आप ही रेगुलर साइकिलिंग से, रेगुलर प्रेशर से वो क्लियर हो जाता है और आप हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। और इसमें मसल्स जो आपकी है वो मजबूत होती है। साइकिलिंग, रेगुलर साइकिलिंग अगर आप करेंगे तो आपकी पैरों की मसल्स में ताकत आएगी, आसानी से थकेंगे नहीं, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और जॉइंट की मोबिलिटी भी इससे बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कई लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होने लगती है, कंधे में, हिप में, ये जॉइंट में पेन अकड़ जाते हैं, तो सामान्यतः इनका मेन कारण यही रहता है कि आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण ये दर्द होता है। तो अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो जो जॉइंट्स है उनमें मूवमेंट बराबर होती रहती है, वहां का आइलिंग वगैरह सब चलता रहता है, जिससे आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा एक डिप्रेशन में भी बहुत कारगर चीज है, डिप्रेशन को भी दूर करता है। क्योंकि डिप्रेशन किस तरह से दूर करता है, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपका पूरा ध्यान साइकिल पे होता है, साइकिल के पेडल पे होता है, उनके पहिए पे होता है, हैंडल पे होता है। इस तरह ये एज ए एक मेडिटेशन के रूप में बेनिफिट देता है आपको। उससे क्या होता है कि आपका जब मेडिटेशन करते हैं तो कई सारे डिप्रेशन कम होता है, अपना स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस तरह से ये एज ए मेडिटेशन भी, आप 10 से 15 मिनट भी अगर रोज साइकिलिंग करते हैं तो एज ए मेडिटेशन उसको माना जाएगा। इसके अलावा आपका पोस्चर को और कोऑर्डिनेशन को बॉडी के उसको मेंटेन करता है। और अगर आप रेगुलर साइकिलिंग, इफेक्टिव साइकिलिंग करते हैं तो आपका फैट रिड्यूस होता है, ओबेसिटी में बहुत फायदा करता है ये, और एंजाइटी भी दूर करेगा, चिंता भी दूर करेगा, डिप्रेशन को कंट्रोल यही है उसने। इस तरह से हम देखते हैं कि ओवरऑल जब हम रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग के हमें कई सारे बेनिफिट होते हैं, कई गंभीर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। और यदि आपको ये गंभीर बीमारियों में से कुछ है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि उन गंभीर बीमारियों के लिए आप जिन डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं उनसे जरूर परामर्श करें साइकिलिंग के पहले। जैसे अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, या बीपी के मरीज हैं आप, तो जो आपके फिजिशियन हैं उनसे पूरी सलाह मशवरा करके उनकी बताई गई एक सीमा तक ही साइकिलिंग करना चाहिए, उनकी बताई गई गाइडलाइन के अंदर ही आपको ये सारा चीज करना चाहिए, जिससे उसका जो वास्तविक बेनिफिट होते हैं वो आपको मिल पाए और आपको वो अननेसेसरी कुछ हार्म ना कर पाए। तो ये थी आज की साइकिलिंग के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त बेनिफिशियल जानकारी। और आज आपको मैं एक और चीज नहीं बता देता हूँ कि जो लोग साइकिलिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं और अगर इंदौर के आसपास के आप रहने वाले हैं तो अलग अलग जगह कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं। और अभी आने वाले कुछ समय में इंदौर में एक साइकिल की मैराथन होने वाली है, जो
11 मई 2019 को होगी, उसमें दो कैटेगरी होगी, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर में। और ये शाम को 7 बजे से शुरू होती है, जो इंदौर के सुपर कॉरिडोर वाला जो रोड है उस पे होती है। ये रात को 7 बजे से लगभग जब तक भी पूरी रात साइकिलिंग चलती है 2-3-4 बजे तक, वो तब तक चलती है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, लास्ट टाइम भी मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें 50 किलोमीटर में, और बहुत ही इंजॉयफुल साइकिलिंग रहती है अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर मौका मिले तो बिल्कुल जरूर आप जाएं, इसमें एक बहुत इंजॉयमेंट मिलता है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपए है, उसमें आपको एक मेडल दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, चीप टाइमिंग की चीप एक होती है वो दी जाएगी आपको, और अनलिमिटेड रिफ्रेशमेंट रहेगा, और आफ्टर कंप्लीटेड योर टारगेट आपके लिए वहां पे एक बढ़िया लजीज डिनर की व्यवस्था भी रहेगी। तो खाना पीना और एंजॉयमेंट और हेल्थ के साथ ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, और इंदौर के आसपास के लोग हैं तो वो कोशिश करें कि उसमें जरूर जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट करें, और अगर समय समय पर हेल्थ से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास ही में जो नोटिफिकेशन बेल है वो उस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो धन्यवाद।